हेलो गर्ल्स, कैसी हैं आप सब? तो मैं यहाँ पे आपको अपना मुखड़ा दिखा रही हूँ, खैर मुखड़ा नहीं, अपने लिप्स दिखा रही हूँ कि यार मेरे लिप्स इस तरह के हैं विदाउट टिंट, मेकअप के बगैर। और ये तिल है, मेरे लिप्स के साइड पे पिगमेंटेशन नहीं है। अगर आपके लिप्स भी कुछ इस तरह के दिखते हैं या इस तरह के दिखते हैं तो उसका सोल्यूशन मैं आपको बताती हूँ। अस्सलाम वालेकुम माई यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? तो वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। और मुझसे ज़्यादातर क्वेश्चन ये भी पूछा जा रहा है, ये लिप्स किस तरह पेंट किए जाए, मेरे लिप्स देखे पिंक है नहीं ना, मेरे जो लिप्स हैं वो कलरलेस हैं, देखो कोई कलर ही नहीं है। और मेरे होंठ पर ना यहाँ पर तिल है, वो पिगमेंटेशन नहीं है, बचपन से ही तिल है। जब मैं छोटी थी तब मेरे लिप्स पिंक थे, लेकिन जब मुझे जर्कान हुआ उसके बाद से मेरे लिप्स के अंदर जो पिंकनेस थी वो ख़त्म हो गई। तो अगर आप लोग चाहते हैं ना कि आपके जो लिप्स हैं वो परमानेंट पिंक हो जाएँ, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। अगर आप लोगों के कलर मतलब पिंक नेचुरली ही पिंक नहीं थे कभी किसी ज़माने में, बचपन में भी नहीं थे, तो वो आपके लिप्स पिंक दोबारा नहीं हो सकते, ठीक है? अगर आप लोगों के बचपन में लिप्स पिंक थे तो वो वापस आ सकते हैं, लेकिन उस पर बड़ा खर्चा होगा। इसके कुछ लेज़र ट्रीटमेंट्स होते हैं, उससे आपके लिप्स की जो पिगमेंटेशन होती है ना उसको ख़त्म हो जाती, मतलब वो ख़त्म हो जाती है। आप लोगों के लिप्स जो है ना, जब आप लोग ऐसे करते हैं ना, आप लोगों के जो लिप्स हैं वो पैची होना स्टार्ट हो जाते हैं, ड्राई होना स्टार्ट हो जाते हैं, और आपके लिप्स में पिगमेंट आना स्टार्ट हो जाता है, जो कि बहुत नुकसानदेह होता है। लिप्स नेचुरली पिंक नहीं थे कभी, तो वो दोबारा पिंक नहीं हो सकते। अगर फिर भी आप लोगों ने करवाने हैं तो आप लोग वो करवा लें, पता नहीं क्या कहते हैं उसको, पिंक्स जो है ना, वो लिप्स जो है वो परमानेंट पिंक हो जाते हैं। आई थिंक उनका कोई टाइम होता है कि भाई 6 मंथ्स या 1 ईयर या 2 ईयर, इस तरह कुछ उनका टाइम पीरियड होता है, और आपके लिप्स जो है वो पिंक हो जाते हैं। मैंने करवाया नहीं है और ना ही मैं वो करवाऊंगी, सोचा था मैंने वो करवाने का, लेकिन जब मैंने उस पर रिसर्च किया तो ये पता चला कि वो टैटूइंग की फॉर्म में आता है, उसकी कैटेगरी में आता है कि भाई वो हमने टैटू करवाया हुआ है, तो उसमें वजू नहीं होता, इसलिए वो अब मेरी लिस्ट से निकल चुका है। तो मेरी टू डू लिस्ट है, जब मेरी शादी होगी इंशाल्लाह मैं वो जब करूँगी आप लोगों का एक एक चीज़ शेयर करूँगी। खैर फिर भी अगर आप लोग वो करवाना चाहते हैं तो बहुत से क्लिनिक्स हैं जो ये चीज़ें करवा रहे हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट हैं जो ये चीज़ें करवाती हैं, लोकल किसी जगह पर जाने की ज़रूरत नहीं है, अच्छी जगह पर जाना अगर आप लोगों ने करवाना है तो। दूसरा, अगर आप लोगों के लिप्स नेचुरली पिंक थे मगर अब आप लोगों के लिप्स डार्क हो गए हैं, पैची हो गए हैं, डिहाइड्रेटेड हो गए हैं, मेरे आप देख ही सकते हैं, मेरे जो लिप्स हैं वो नेचुरली पिंक थे बचपन में, लेकिन मुझे जब जर्कान हुआ था 6th क्लास में, तो उसके बाद तब मैं थी शायद पता नहीं कितने साल की थी, 2012 की बात है, यहाँ पर 2012 की ही बात है, जब मुझे जर्कान हुआ था ना तब से मेरे पूरे फेस की जो पिंकनेस होती है वो ख़त्म हो गई। अभी मैंने कुछ भी नहीं अपने फेस पर लगाया हुआ, बिल्कुल बेयर फेस है मेरा, यहाँ पर ना मैंने कोई ब्लश लगाया हुआ, कोई टिंट भी नहीं लगाया हुआ, यही आप लोगों को दिखाने के लिए कि ये नेचुरल फेस है। और आप लोगों को अपने मतलब जिस तरह भी हो आप लोगों को एक्सेप्ट करना चाहिए, खुद को एक्सेप्ट करना सीखो, कोई ज़रूरत नहीं है इन चीज़ों को करने की। यार जब मेकअप मौजूद है तो आप लोगों ने क्यों सर्जरियाँ करवानी है? सबसे पहले आप लोगों ने अपने लिप्स को करना है एक्सफोलिएट, ठीक है? एक्सफोलिएट करने के 2 तरीके हैं। सबसे पहले चीज़ अगर हम मेडिकल साइड पर देखें, ये ऑर्डिनरी का ग्लाइकोलिक एसिड सीरम है, इसको हम अपने लिप्स पर लगा सकते हैं, उससे हमारे लिप्स का जो डेड स्किन लेयर होती है वो उतरना स्टार्ट हो जाएगी, उसके बाद हमारी न्यू स्किन आना स्टार्ट हो जाएगी, मतलब हमारे लिप्स के ऊपर जो पिगमेंट है वो ख़त्म होना स्टार्ट हो जाएगा। हर 2 दिन छोड़ के आप 1 दिन इसको यूज़ कर सकते हैं अपने लिप्स के ऊपर, फेस के हिसाब से तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, तो ये लिप्स के लिए भी बहुत बेहतर है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। ये मैंने @cartly.pk से लिया था, इसके बहुत फ़ायदे हैं यार, ग्लाइकोलिक एसिड पर मैं पूरी एक किताब लिख सकती हूँ, ठीक है? अब मैं आप लोगों को 2 तरीके जो है ना वो ऐसा ऐसा बताती हूँ। पहला तो ये हो गया ना, दूसरा अगर आप लोगों के पास पैसे नहीं है ये ख़रीदने के लिए, तो फिर आप लोगों को मैं एक जुगाड़ बताती हूँ, लेकिन ध्यान से कान खोल के सुनना, ये है टूथब्रश, ठीक है? टूथब्रश बिल्कुल नरम होना चाहिए, बिल्कुल नरम सा, मतलब आप लोगों ने जब अपने टीथ ब्रश करने हैं ना तो उसके ब्रिसल्स बहुत ज़्यादा ना वो हो जाते हैं नरम, तो आप लोगों ने ना आराम से इसको ऐसे करना, ये देखो इस तरह से करना, बहुत आराम आराम से आपने करना है। अगर आप लोग ज़ोर ज़ोर से करोगे ना तो यहाँ पे आप लोगों को माइनर इंजरीज हो जाएगी, जिसका आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा, और फिर उसके बाद आप लोग जब खाना खाओगे कोई मिर्च वाला, आप लोगों को मिर्चें लगेंगी आप लोगों के लिप्स के पीएच लेवल को डिस्टर्ब करेगा अगर आप लोग ज़ोर ज़ोर से करोगे, बहुत आराम से करना है, ठीक है? उसके बाद आप लोगों ने लगानी है पेट्रोलियम जेली, ठीक है?
और फिर उसके बाद दोबारा से एक्सफोलिएट करना है, ताकि जो आप लोगों ने आराम आराम स्क्रबिंग किया और डेड स्किन लेयर उतर गई है ना, उसके बाद आप लोगों ने उसको हील करने के लिए पेट्रोलियम जेल लगाकर फिर दोबारा से एक्सफोलिएट करना है और फिर आप वॉश कर लो, ठीक है। पेट्रोलियम जेल ही मैं यूज़ करती हूँ, ये वाली, तो वैसलिन भी यूज़ कर सकते हो। उसके बाद आता है एक मास्क जो कि मैं अपने लिप्स पर लगाती हूँ। ये देखो ये क्या है, इसमें दूध के चंद कतरे हैं और हल्दी है, ठीक है। आप लोगों ने उतना डालना है, मतलब कि जितना आप लोगों ने लिप्स पर लगाना है। मैंने अपने होंठों के हिसाब से किया, मेरे होंठ बड़े हैं। अब आप लोगों ने इसको लगाना कैसे है, अपनी रिंग फिंगर से, ये देखो, और लोगों ने ना ये लगाने के बाद बोलना नहीं, वरना मुंह में हल्दी चली जाएगी। अच्छा, मैंने उसको मास्क को उतार दिया है। आप लोगों ने 5 मिनट से ज़्यादा इसको नहीं लगाना, जब बिल्कुल ड्राई हो जाएगा ना उसके बाद ही आपने उतारना, थोड़ा सा गीला गीला हो तब आप लोगों ने उतारना है। अच्छा, हल्दी के अंदर जो है ना कुछ इस तरह के ब्लीचिंग इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो कि आप लोगों की स्किन के ऊपर से जो भी मतलब पिगमेंट होता है उसको लाइट करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता, फ़ौरन से नहीं करते। आप एक रात में नहीं इसको ठीक कर सकते, आपको रेगुलरली करना पड़ता है। आप लोगों के पास टाइम नहीं है, आप लोग सिर्फ संडे को कर लो, वीक में वैसे 2 या 3 दफ़ा करना चाहिए, लेकिन अगर टाइम नहीं है तो सिर्फ संडे को कर लो जब छुट्टी होती है, एक दिन तो लाजमी करो ना, फिर आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों को फ़र्क पड़ना स्टार्ट हो जाता है। यहाँ तक समझ आ गई आप लोगों को? अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि आप लोग टिंट कौन सा यूज़ कर सकते हैं जिससे आप लोगों के लिप्स ख़राब नहीं होते और आप लोग परमानेंटली तौर पर ना अपने लिप्स को लेके चल सकते हो इस टिंट के साथ। वरना ऐसे बहुत से टिंट्स हैं जिसमें इतने गंदे किस्म के इन्ग्रीडियंट्स होते हैं जिसकी वजह से आप लोगों के लिप्स का पिगमेंट बढ़ जाता है। ये देखें, ये देखिए, ये फेथ बाय समरा मीर का टिंट है पेम शेड में। आप लोग जब इसको लगाओगे ना फील ही नहीं होगा कि आप लोगों का रियल लिप्स हैं या फेक। आप लोगों पर डिपेंड करता है, आप लोग जितना मर्जी तेज करना चाहो आप लोग कर सकते हो। मैं भी वीडियोस में ज्यादातर इसी टिंट को यूज करती हूँ क्योंकि ये ऑयल बेस्ड है, मतलब ऑयली इंग्रेडिएंट्स हैं इसमें और मेरी स्किन है वो काफ़ी ड्राई है, लिप्स भी बहुत ड्राई हैं, तो मुझे ऑयली चीज़ें ज़्यादा पसंद आती हैं। तो ये अब आप देख सकते हैं मेरे लिप्स किस तरह के लग रहे हैं, यार अच्छे लग रहे हैं ना, मुझे भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। इससे बिना जो है सर्दियाँ आ रही हैं, ड्राई स्किन और ड्राई लिप्स से आप लोगों को बहुत मसला होना है, तो आप लोग ये सब कुछ कर सकते हैं। जो दूध था आप लोगों ने ना जो पेस्ट बनानी है उसमें थोड़ा सा दूध और थोड़ी सी हल्दी ऐड करनी है। ये मैंने खुद मरियम परवेज की एक वीडियो में देखा था, वो इस तरह करती थी अपने होंठों को एक्सफोलिएट। तो उसके अलावा मैंने ये ग्लाइकोलिक एसिड वाला भी मुझे पता था, तो मेरे लिए ज़्यादा कन्वीनियंट ग्लाइकोलिक एसिड वाला रहता है, तो मैं वो कर लेती हूँ, कभी कभार ये कर लेती हूँ, तो ऑन एंड ऑफ चलता रहता है, मैं कभी भी किसी एक चीज़ पर स्टक नहीं होती। आप लोगों को सबको मैं ऑलरेडी ये बात बता चुकी हूँ, नए से नए एक्सपीरियंस करने का मुझे बहुत शौक होता है कि मैं कुछ ना कुछ न्यू करती रहूँ ताकि मैं आप लोगों के साथ अपने एक्सपीरियंस शेयर करती रहूँ, ठीक है। अब आप लोगों को समझ आ गई होगी कि आप लोगों ने अपने लिप्स का किस तरीके से ध्यान रखना है। दूसरा ये कि कोई भी किसी की भी किस्म की कोई लिप बाम लगाने की खास ज़रूरत नहीं होती, खर्चे करने आप लोगों ने तो आप लोगों की अपनी मर्जी है, लेकिन एक बड़ी कन्वीनियंट चीज़ है लिप ऑयल। लिप ऑयल आप लोग यूज़ कर सकते हो, जिनके लिप्स मेरी तरह पैची हैं, मैंने ऑर्डर की हुई है, इंशाल्लाह मेरी जल्दी आने वाली है। अब फेथ बाय समरा मीर ने अपने लिप ऑयल्स भी लॉन्च किए हैं जो कि बहुत लिमिटेड स्टॉक है और सिर्फ सर्दियों में आया करेगा वो, तो आप लोग वो भी आप लोग अपने लिए ऑर्डर कर सकते हैं, वो बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। दूसरा ये आप लोगों ने वो भी नहीं यूज़ करना तो मैं आप लोगों को एक और चीज़ बता देती हूँ, पेट्रोलियम जेली आप लोग यूज़ कर सकते हो, वो अपने होंठों पर लगा के आप लोग रात को सो सकते हो, अगर आप लोग कोई भी किसी भी किस्म के लिप बाम या लिप ऑयल्स नहीं लेना चाहते। और फेथ बाय समरा मीर का जो लिप ऑयल है वो बहुत कन्वीनियंट है, पूरी सर्दियाँ आप लोग निकाल सकती हैं, तो इंशाल्लाह मैं तो मंगवाऊंगी, मुझे तो बड़ा शौक चढ़ा हुआ है। ये जो टिंट है ये भी उन्हीं के ब्रांड का है और आप लोग ऑर्डर कर सकते हो।
मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगी उनके इंस्टाग्राम का हैंडल, ठीक है। लिप्स की सारी डिटेल मैंने आप लोगों को बता दी है, सारा कुछ आप लोगों को समझ आ गया होगा। फिर भी कोई मसला है, समझ नहीं आ रही, आप लोग मुझे मैसेज के पूछ सकते हैं, नहीं कमेंट से पूछ सकते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज। और मैं यहाँ पे अपना इंस्टाग्राम हैंडल अटैच कर दूंगी, आप लोगों ने मुझे वहाँ पे भी फॉलो करना है। मैं वहाँ पे अपनी रील्स शेयर करती रहती हूँ, छोटी मोटी स्किन केयर की। यहाँ पे मैं लॉन्ग वीडियोज अपलोड करती हूँ, वहाँ पे मैं शॉर्ट वीडियोज अपलोड करती हूँ। तो अगर आप लोग भी उनमें से हैं जो शॉर्ट वीडियोज पसंद करते हैं ज़्यादा, तो आप लोग वहाँ पे जाके देख सकते हैं। यूट्यूब पे ना मुझे एक मतलब टाइम मिल जाता है कि जितना मर्जी बोल लूँ, मैं कोई इतनी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन इंस्टाग्राम पर लंबी वीडियोज कोई भी नहीं देखता, इस वजह से मुझे वहाँ पे छोटी वीडियोज ही अपलोड करनी पड़ती हैं। तो खैर, अपना ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।